बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बच्चा हमारी क्लास स्टार्ट हो गई। उर्दू की कॉपी ओपन कर लें बच्चा, पेंसिल शार्प कर लीजिए। कल हमने सबक खुशी का दिन की पढ़ाई की थी, ठीक है। आज हम टाइटल पेज बनाएंगे और नए अल्फाज लिखेंगे। आप सब मेरे साथ कॉपी ओपन कर लें बेटा। जो जो मैं आपको बताऊंगी आप साथ साथ नोट डाउन करते जाएंगे। बच्चा जैनब, उमे फरवा, समी, सानिया, फैजान, उर्दू की कॉपी ओपन कर लें बेटा। हुजैफा, हुरिया, ठीक है बच्चा। ओके उमे फरवा, देखिए बेटा हमारा कॉपी वर्क था लास्ट, ठीक है बेटा। ये लास्ट हमारा कॉपी वर्क था। हमने कल सबक खुशी का दिन की पढ़ाई की थी। आज हम टाइटल पेज बनाएंगे, ठीक है। ये लास्ट वर्क था हमारा। कल हमने सबक खुशी का दिन की पढ़ाई की थी बच्चा। आज हम टाइटल पेज बना रहे हैं। नेक्स्ट पेज पे कॉपी ओपन कर लें बच्चा। फोर लाइंस का गैप दीजिए, जैसे हम क्लास में टाइटल पेज बनाते थे। यहाँ आप लिखेंगे सबक, कौन सा सबक आपका हम्द के बाद स्टार्ट हुआ है बच्चा। खुशी का दिन, ठीक है बेटा। सबक खुशी का दिन, टू लाइंस का गैप देंगे, दिन लिखेंगे। आज कौन सा दिन है, बुध। फिर अगेन टू लाइंस का गैप देंगे। यहाँ हम तारीख लिखेंगे, ऐसे ही उर्दू में आपको लिखनी है बेटा। अब आपके पास 5 मिनट्स हैं, आप ये टाइटल पेज बना लें। ओके बेटा, यहाँ देखें टाइटल पेज के बाद टाइटल पेज बना लिया आप सबने। अब नेक्स्ट पेज पर आ जाएं। अब नेक्स्ट पेज पे बेटा डेट शो करें। यहाँ पर डेट शो करें बच्चा, और यहाँ आप लिखें नए अल्फाज। क्या लिखेंगे बेटा, नए अल्फाज। डेट शो करें बेटा नेक्स्ट पेज पे टाइटल पेज के सामने, ठीक है। डेट शो करें नेक्स्ट पेज पे, नए अल्फाज लिखें बेटा। जो जो मैं अल्फाज लिखूंगी बेटा आपको मेरे साथ ही रीड करना है, आपको मेरे साथ साथ रीड करना है। नंबर 1 पे हम लिखेंगे बेटा, नंबर 8 पे हम लिख रहे हैं, अब आज नंबर 8 पे हम लिखेंगे बेटा खुशी खे वाओ। शीन के दो शोशे लाइन से थोड़े से ऊपर, छोटी यादों पर आद नीचे। क्या लिखा बच्चा हमने, खुशी, ठीक है। दूसरा हमारा लफ्ज है नंबर 2 पे हम लिखेंगे नीम की आदि शक्ल है नून दाल छोटी है, खुशी मेहंदी, ठीक है बेटा। खुशी मेहंदी देख रहे हैं बेटा आप सब। ओके बच्चा, हमारा अगला हर्फ है नंबर 3 पे हम लिखेंगे ईद, ईद मुबारक। तीसरा हमारा लफ्ज है ईद मुबारक, ठीक है। नंबर 4 पे हम लिखेंगे बच्चा, नंबर 4 पे हम लिखेंगे गुलाबी फराग। इसी तरह लिखिएगा, फॉर्मेशन का खास ख्याल रखें, फिर आपकी कॉपी में बहुत ज्यादा मिस्टेक्स होती हैं अगर फॉर्मेशन का ख्याल नहीं रखते बेटा। नंबर 3 पे हमने लिखा बेटा ईद मुबारक, नंबर 4 पे हमने लिखा गुलाबी फराग।
ठीक है बेटा, नंबर तीन पे हमने लिखा ईद मुबारक, नंबर चार पे हमने लिखा है गुलाबी फराक। अब नंबर पांच पे हम लिखेंगे बेटा, नंबर पांच पे हम लिखेंगे बच्चा कितने शोशे बनाने, दो शीन के एक के का, अगेन दो शीन के और बड़ी है लाइन पे, क्या बन गया बच्चा, शीशे, ठीक है शीशे। अब नंबर छह पे हम लिखेंगे पे वाओ ज़े लिफ़्ज़ा, नून आधा ऊपर आधा नीचे, क्या बन गया, वो फौजान, फौजान, ठीक है बेटा। नंबर एक पे है खुशी, बेटा मेरे साथ साथ लिखते जाएं और रीड भी करते जाएं। नंबर दो पे हमने लिखा है मेहंदी, नंबर दो पे हमने लिखा है मेहंदी, नंबर तीन पे हमने लिखा है ईद मुबारक, ठीक है, नंबर चार पे हमने लिखा है गुलाबी फराक, ठीक है बच्चा, नंबर पांच पे हमने लिखा है शीशे, नंबर छह पे हमने लिखा है फौजान। यहाँ तक कर लें बेटा आप सब। देखें बेटा मैं दोबारा बता देती हूँ, हमने नंबर सात पे लिखा सेवैया, ठीक है बेटा, नंबर आठ पे हमने लिखा ईदगाह, ओके राबिया बेटा, नंबर नौ पे हमने लिखा है मिठाई, क्या लिखा है बच्चा, मिठाई, सेवैया, ईदगाह, मिठाई। हमारा अगला लफ्ज है बेटा नंबर 10 पे हम लिखेंगे ईदी, जो हमें ईद के दिन मिलती है, ठीक है बेटा, ईदी लिख लें। ओके हुज़ैफ़ा, हुज़ैफ़ा ने भी हमारे पास काम कर लिया, वेरी गुड हुज़ैफ़ा। अब हमारा अगला लफ्ज है बेटा नंबर 11 पे हम लिखेंगे, ठीक है, दाल वाओ, तीन के दो शोशे, ते वाओ, नून गुन्ना आधा ऊपर आधा नीचे, ठीक है बेटा, क्या बन गया, दोस्तों, क्या बन गया बेटा, दोस्तों। दाल वाओ, तीन के दो शोशे, ते वाओ, नून गुन्ना, ठीक है बच्चा। अब हमारा अगला लफ्ज है नंबर 12 पे हम लिखेंगे रे लिफ़्ज़ा, हे की आधी शक्ल लाइन से थोड़ी सी ऊपर, हे लाम आधा ऊपर आधा नीचे, क्या बन गया, राहील, राहील, ठीक है बेटा, लिख लिया बच्चा।
नंबर 13 पे हम लिखेंगे, नंबर 13 पे हम लिखेंगे बेटा लाम, लाम की आधी शक्ल ले आधा ऊपर आधा नीचे, अलिफ हमजा छोटी ये ई, क्या बन गया लड़ाई, क्या बन गया बच्चा लड़ाई। ओके वेरी गुड, ठीक है। नंबर 11 पे हमने लिखा है दोस्तों, नंबर 12 पे राहील, नंबर 13 पे लड़ाई। ओके बच्चा, अब नंबर 14 पे हम लिखेंगे, अब ये देखें बच्चा पे की आधी शक्ल हमने लाइन से थोड़ी सी ऊपर बनाई, ठीक है। अगेन हमने पे पे बनाया, पे दो चश्मे है, पे दो चश्मे है, वाओ खुपो जान, क्या लिखा है खुपो जान, ठीक है बेटा। और लास्ट हमारा अल्फाज है, लास्ट हमारा लफ्ज है रिश्ते दादों, रिश्ते दादों। ठीक है बच्चा, अब हम इन अल्फाज को रीड कर लेते हैं, आप नोट डाउन कर लें, फिर मैं आप सबसे पूछूंगी। ओके बच्चा, मैं एक बार आपको ये सारे अल्फाज बता दूं रीड करके, फिर आपसे रीडिंग करवाऊंगी, ठीक है। मुन्ना खुशी, मेहंदी, ईद मुबारक, गुलाबी फराक, शीशे, फौजान, सेवैया, ईदगाह, मिठाई, ईदी, दोस्तों, राहील, लड़ाई, पोजान, रिश्तेदारों, ठीक है बेटा। जी बेटा देखें ये क्या है। जी मिस अनस, बताइए क्या लिखा है। खुशी। जी खुशी। और ये क्या लिखा है। खुशी। और ये क्या लिखा है बेटा। लड़ाई। वॉइस नहीं आ रही क्लियर। ओके लड़ाई। ओके बच्चा ये ईदगाह। ओके बेटा वेरी गुड, ये आपको अल्फाज याद करने हैं इमला के लिए, ठीक है। हुदिया खालिक, बच्चा रिप्लाई करें, हुदिया आपका माइक कौन है बेटा। हुदिया हुदिया खालिक बेटा देखें ये क्या लिखा है। प्रिया आपकी वॉइस नहीं आ रही। प्रिया बेटा ये रीड करें क्या लिखा है। ईदगाह। वेरी गुड, ये क्या लिखा है। रिश्तेदारों। वेरी गुड, ये क्या लिखा है। दोस्तों। ये क्या लिखा है। ईदी। वेरी गुड, ये राहिल। ओके बेटा वेरी गुड, गुलाबी फ्रॉक। ओके फराक, उर्दू में फराक पढ़ेंगे बेटा। मुरिया बेटा ये अल्फाज इमला के लिए याद करने हैं, वेरी गुड। हुज़ैफ़ा, हुज़ैफ़ा मुन्ना, जैसा देखें ये क्या लिखा है। जैसा बच्चा रीड करें। ओके बच्चा ये क्या लिखा है। गुड़िया ईदगाह। वेरी गुड, ये क्या लिखा है बच्चा। राहील। ओके वेरी गुड, देन
उपकोजन। ओके बच्चा, आज हमारा ये करके वेरी गुड गुड़िया, ठीक है। हमने टाइटल पेज बनाया है और नए अल्फाज किए हैं, ठीक है बेटा। अब हमारी क्लास ऑफ होने वाली है, आपको होमवर्क भी सुन ले, आपको घर से ये नए अल्फाज याद करने हैं, ठीक है बच्चा। सबका माई कौन है, अगर कुछ पूछना है, कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं पूछना तो बेटा क्लास ऑफ कर देते हैं। बच्चा यही हमने आज नए अल्फाज किए हैं बेटा, ठीक है, और आपका होमवर्क भी यही है, नए अल्फाज याद करने हैं, ठीक है बच्चा। टाइटल पेज बनाया है हमने और नए अल्फाज किए। ओके बच्चा, अल्लाह हाफिज़।